हमने ओशो जी का एक प्रवचन सुना था जहाँ पर उन्होंने कहा है कि धर्म मन बहलाने का एक खिलौना है। इस बात में कितनी सच्चाई है उसका उल्लेख हम करने जा रहे हैं। देखिए, वास्तविक धर्म को ईश्वर और शैतान, स्वर्ग और नरक से कुछ लेना देना नहीं। मैं अकॉर्डिंग टू ओशो कह रहा हूं, धर्म के लिए अंग्रेजी में जो शब्द रिलीजन है वह महत्वपूर्ण है, उसे समझो। उसका मतलब है खंडों को, हिस्सों को संयुक्त करना, ताकि खंड खंड न रह जाए, वर्ण पूर्ण हो जाए। रिलीजन का मूल अर्थ है एक ऐसा संयोजन बिठाना कि अंश अंश न रहे बल्कि पूर्ण हो जाए, जुड़ जाए, जुड़कर प्रत्येक अंश स्वयं में संपूर्ण हो जाता है। पृथक रहते हुए प्रत्येक भाग निष्प्राण है, संयुक्त होते ही, अभिन्न होते ही एक नई गुणवत्ता प्रकट होती है, पूर्णता की गुणवत्ता। और जीवन में उस गुणवत्ता को जन्माना ही धर्म का लक्ष्य है। ईश्वर या सैदान से धर्म का कोई संबंध नहीं है, लेकिन धर्मों ने जिस तरह जगत में कार्य किया, उन्होंने उसका पूरा गुण धर्म, उसकी पूरी संरचना ही बदल डाली, बजाय इसके कि उसे बनाते अंत सखी एकता का विज्ञान, ताकि मनुष्य विखंडित न रहे, एक हो जाए। सामान्यतः तुम एक नहीं, अनेक, पूरी भीड़ हो। धर्म का कार्य है इस भीड़ भाड़ को, अनेकता को एक समग्रता में ढालना, ताकि तुम्हारे भीतर का प्रत्येक अंग अन्य अंगों के साथ एक स्वर में काम करने लगे। न कोई विभाजन हो, न संघर्ष हो, न कोई श्रेष्ठ हो, न कोई निकृष्ट हो, न किसी प्रकार का द्वंद्व बचे। तुम बस एक लयबद्ध अखंडता हो जाओ। दुनिया के इन सारे धर्मों की वजह से मनुष्यता धर्म शब्द का अर्थ तक भूल गई है। मनुष्यता धर्म शब्द का अर्थ तक भूल गई है। वे अखंडित मनुष्य के खिलाफ है, क्योंकि अखंडित मनुष्य को न ईश्वर की जरूरत है, न पादरी पुरोहितों की, न मंदिर की, न मस्जिद की और न चर्च की। अखंडित मनुष्य आप्त काम होता है, स्वयं में पर्याप्त होता है, वो अपने आप में पूर्ण है। रजनीश की दृष्टि में उसकी पूर्णता ही उसकी पवित्रता है। वो इतना परितृप्त है कि फिर उसे परमपिता के रूप में दूर कहीं स्वर्ग में बैठे उसकी देखभाल करने वाले किसी ईश्वर की मानसिक जरूरत नहीं रह जाती। वह इस क्षण में इतना आनंदित है कि तुम उसे भावी काल के लिए भयभीत नहीं कर सकते। परिपूर्ण व्यक्ति के लिए कल का अस्तित्व भी नहीं होता, वर्तमान पल ही सब कुछ है। न तो वहां बीते हुए कल है और न ही आने वाला कल। हम सब एक अखंडित व्यक्ति को इन मूर्तापूर्ण और बचकानी चालबाजियों से बहकना नहीं सकते, अपनी इच्छा अनुसार नचा नहीं सकते कि ऐसा करने पर स्वर्ग एवं उसके सारे सुख उपलब्ध होंगे, और यदि वैसा काम नहीं किया तो नरक में गिरकर अनंत काल तक दुख भोगोगे। तो इन सभी धर्मों ने हमें कल्पनाएं दी हैं, क्योंकि हमारे कुछ मनोवैज्ञानिक जरूरतें हैं। या तो तुम मन के पार उठो, जो कि सही मायने में धर्म है, या फिर पूरी कल्पनाओं में उलझते रहो, ताकि तुम्हारा मन रिक्त, अर्थहीन और अकेलेपन का अनुभव न करे। नदी में बहते हुए तिनके की भांति, न पीछे जिसका सूत का पता है, न आगे किसी गंतव्य का। मानव मन की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक जरूरत है दूसरों के लिए स्वयं के जरूरी होने का एहसास। दूसरों के लिए स्वयं के जरूरी होने का एहसास। सामान्यतः प्रतीत तो यही होता है कि अस्तित्व हमारे प्रति पूर्ण रूपेण उपेक्षा से भरा हुआ है। यह नहीं कहा जा सकता कि उसे तुम्हारी कोई जरूरत है, या कि कह सकते तुम्हारे बिना भी सब कुछ बदल जाता है, तुम्हारे बिना भी सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चलता था,
रोज सूर्योदय होता था, फूल खिलते थे, मौसम आ जा रहे थे। ये तुम नहीं होते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक दिन फिर तुम यहां नहीं होगे और उससे रंच मात्र भी अंतर नहीं आएगा। अस्तित्व जैसा चलता रहा है चलता रहेगा। यह बात तुम्हें तृप्ति नहीं देती कि तुम्हारा होना ना होना कोई अर्थ नहीं रखता। आवश्यक होना तुम्हारी सबसे बड़ी आवश्यकता। ठीक इसके उलट अस्तित्व तुम्हें यह एहसास देता है जैसे उसे तुमसे कोई सरोकार नहीं है, उसे तुम्हारी परवाह नहीं है। शायद उसे यह तक पता नहीं कि तुम हो भी या नहीं। यह स्थिति मन को बहुत झकझोरने वाली है। इसी कमजोरी का फायदा उठाया है तथाकथित धर्मों ने। प्रमाणिक धर्म तुम्हारी इस आवश्यकता को गिराने की हर संभव कोशिश करेगा ताकि तुम स्पष्ट देख लो कि कतई आवश्यक नहीं है किसी को कि तुम्हारी आवश्यकता हो। और जब तुम स्वयं के आवश्यक होने की कामना करते हो तो तुम थोथी कल्पनाओं की मांग करते हो। तो ये तथाकथित धर्म जो पृथ्वी पर कई रूपों में मौजूद है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध और न जाने कितने धर्म। जमीन पर तो 300 धर्म है और वे सब के सब एक ही काम में संलग्न है। वे ठीक उसी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। हमें तुम्हें झूठी तृप्ति दे रहे हैं। कहते हैं कि ईश्वर है जो तुम्हारी फिक्र लेता है, तुम्हारी देखभाल करता है, जो तुम्हारा इतना अधिक सुख चिंतक है कि तुम्हारे जीवन को मार्गदर्शन देने के लिए एक पवित्र ग्रंथ भेजता है, कि तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हें सही राह पर लाने के लिए अपना इकलौता बेटा भेजता है, वो पैगंबर और मसीहा भेजता है ताकि तुम कहीं भटक नहीं जाओ। और यदि तुम भटक जाओ तो ये तुम्हारी दूसरी कमजोरी का शोषण करता है, शैतान का भय, जो हर संभव ढंग से तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश में लगा रहता है। साधारणतः जैसी मनुष्यता इस समय है, एक तरफ तो इसे ईश्वर की, संरक्षक की, पथ प्रदर्शक की और सहयोग की जरूरत है और दूसरी तरफ एक नर्क की, ताकि आदमी उन सभी रास्तों पर चलने से डरा रहे जिन्हें पादरी पुरोहित गलत समझते। पर क्या गलत और क्या सही, हर समाज में भिन्न भिन्न, इसलिए सही और गलत समाज द्वारा निर्णित होते हैं। उनका कोई अस्तित्वगत मूल्य नहीं है। यह एक सजगता की स्थिति है। जब आप मन के पार चले जाते हो और बिना किसी पूर्वाग्रह के चीजों को सीधे साफ देख सकते हो, आंखों पर मड़े किसी सिद्धांत के बगैर, जब तुम सीधे देखते हो तो तत्क्षण सही और गलत का ज्ञान हो जाता है। किसी को बताने की जरूरत नहीं रह जाती, न किन्हीं आदेशों की आवश्यकता। प्रत्येक समाज की अपनी धारणा है कि क्या सही है और क्या गलत है, पर जिसे वो गलत कहते हैं उसे करने से तुम्हें कैसे रोकें? मुश्किल यह है कि जिसे वे अशुभ और पाप कहते हैं अधिकांशतः वह प्राकृतिक है और वह तुम्हें आकर्षित करता है। वह गलत है मगर स्वाभाविक है और स्वाभाविक के प्रति एक गहन आकर्षण। इन्हें इतना ज्यादा भय पैदा करना पड़ता है कि वह स्वाभाविक आकर्षण की अपेक्षा अधिक बलशाली सिद्ध हो। इसे नरक का आविष्कार करो, ये ओशो ने कहा है पूरा। और देखिए आप कितने शालीनता से उन्हें सारी चीजों की व्याख्या की है। कई धर्म है जो एक नरक से संतुष्ट नहीं है। जो समझदार वो समझ सकते हैं क्यों वे एक नरक से संतुष्ट नहीं है। ईसाइयत एक नरक से संतुष्ट है। इसका सीधा कारण है कि ईसाई नरक शाश्वत है, उसमें लंबाई का विस्तार बहुत है, अंत ही नहीं आता। चूंकि हिंदुओं, जैनों और बौद्धों के नरक शाश्वत नहीं है, इसलिए ऊंचाइयों निर्मित करनी पड़ी, 7 नरक एक के ऊपर एक, और हर नरक अधिक से अधिक पीड़ादायी होता जाता है, ज्यादा से ज्यादा अमानवीय, आश्चर्य होता है। वे लोग जिन्होंने नरकों को पूरे घोर विस्तार से वर्णन किया वो संत कहलाते थे। देखिए हम किसी धर्म को वो गलत नहीं कह रहे हैं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे। ओशो ने जो कहा है मैं एज इट इज मैं सेम चीज आपके सामने पेश कर रहा हूं, मैं अपनी चीज नहीं रख रहा हूं। वे लोग यदि उन्हें मौका मिलता तो बड़ी आसानी से एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन और मार्क्स हो गए होते।
उनको सब ख्याल था कि कैसे सताए जाए, कैसा सताया जाए, सिर्फ उनके पास शक्ति नहीं थी। लेकिन एक सूक्ष्म अर्थ में उनके पास भी शक्ति थी, पर वर्तमान में नहीं थी। यहां नहीं, उनकी ताकत थी उनके शंकराचार्य होने में, पोप और प्रमुख पादरी होने में। उस शक्ति के सहारे जिन्होंने तुम्हें नर्क में फिकवाने का इंतजाम कर दिया, अभी ना सही तो भविष्य में कभी मृत्यु के बाद ही सही। वैसे तो मृत्यु स्वयं ही इतनी भयावह है, किंतु वह उनके लिए काफी नहीं, क्योंकि स्वाभाविक प्रवृत्तियां वास्तव में अत्यधिक प्रबल है। और वे लोग क्यों इन नैसर्गिक आकर्षणों के इतने खिलाफ थे? क्योंकि सहज प्रवृत्तियां उनके न्यस्त स्वार्थों के विरुद्ध पड़ती है। सभी धर्मों ने सिखाया है कि गरीब धन्यभागी हैं। यह केवल किसी एक की शिक्षा नहीं है। हाँ, वे से जरा ठीक ढंग से एक वचन में उक्ति के रूप में कह देते हैं कि धन्यभागी हैं वे जो दरिद्र हैं, क्योंकि वे ही प्रभु के राज्य में प्रवेश के अधिकारी होंगे। लेकिन मूलतः यह समस्त धर्मों की शिक्षा है। तुम्हें गरीबी को एक वरदान के रूप में परमात्मा के द्वारा दी गई भेंट समझकर अंगीकार करना चाहिए। यह सिर्फ तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा है। यदि तुम गरीबी की अग्नि परीक्षा में बिना शिकायत के चुपचाप, बगैर यह सोचे कि यह अन्याय है, यदि तुम ईश्वर को दीन मानकर इसे गुजर जाते हो, तो प्रभु का राज्य तुम्हारा है। यह लजारस लिए बड़ी सांत्वना देने वाली बात है, जब जीसस उससे कहते हैं, ऐसा हुआ कि लजारस अत्यंत दरिद्र था और गांव का सर्वाधिक संपन्न व्यक्ति अपने जन्मदिन पर शानदार दावत दे रहा था। भूखा प्यासा लजारस उस गांव से गुजरता है, उससे थोड़ा सा पानी मांगा तो नौकरों चाकुओं से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और बोले, क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि हमारा मालिक एक भोज दे रहा है और बड़े बड़े अतिथि इकट्ठे हुए हैं, और तू ठहरा एक मामूली भिखारी, तेरे भीतर घुसने की और पानी मांगने की हिम्मत कैसे हुई? चल भट आ गया से, जितनी जल्दी हो सके यहां से रफा दफा हो जाए। जीसस लजारस से कहते हैं, परेशान मत हो, स्वर्ग में तुम सभी सुखों का उपभोग करोगे और इस आदमी को नरक की आग में जलते हुए देखोगे। वह प्यास से तड़प रहा होगा और तुमसे विनती करेगा, लजारस मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। कितना भारी सांत्वना। लेकिन क्या यह चालाकी? गरीबों के क्रोध और ईर्ष्या से धनवानों को बचाने की साजिश भी हो सकती है, हो सकती है। धनी तो थोड़े हैं, निर्धन तो बहुत है। एक बार उन्हें ख्याल आ जाए कि हमारी दरिद्रता वरदान नहीं है बल्कि अभिशाप है, शोषण का परिणाम है, तो वे इन सारे धनवानों को ही मार डालेंगे। यह तरकीब दोनों प्रकार से बढ़ी है। दीनहीन के लिए सांत्वना कि निर्धनता वरदान है, और समृद्ध के लिए सुरक्षा, क्योंकि अब गरीब विद्रोह नहीं कर सकते। दुनिया में धर्मों के कारण गरीबी बनी हुई है, अन्यथा इसकी कोई और वजह नहीं है। खासतौर से अब जबकि विज्ञान और तकनीक इस पूरी पृथ्वी को स्वर्ग में बदल सकते हैं। ये धार्मिक लोग इस पृथ्वी के स्वर्ग में रूपांतरण पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि तब उनके स्वर्ग का क्या होगा? वे इस पृथ्वी को दरिद्र भूखी बीमार जैसी दुर्दशा में वह है वैसे ही रखना चाहते हैं, क्योंकि इसी पर उनका सारा व्यवसाय निर्भर है। अमीर चर्चों को दान देते हैं क्योंकि चर्च उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। बेचारी गरीब तक दान देते हैं जिनके पास खाने को पर्याप्त नहीं है, वे इसलिए दान देते हैं क्योंकि चर्च उन्हें सांत्वना देता है कि उनका मार्गदर्शन करता है। कि मैं सिर्फ चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। ये जीवन बहुत छोटा है, कुछ ज्यादा तो है नहीं, और इसका भेद एक हिसाब से गुजर चुका है, अब थोड़ा सा शेष है वह भी गुजर जाएगा, और फिर उसके बाद स्वर्ग में अनंत सुखों वाला शाश्वत जीवन है। सारे धर्म स्थान उसका रास्ता बताते हैं, सब यही राह दिखाते हैं। प्राकृतिक जरूरतें जैसे काम वासना भूख, ये धार्मिक लोग तुम्हें उपवास कराना सिखाते हैं। अब यह प्रकृति के विरुद्ध है। उपवास करना कितना उतना ही हानिप्रद है जितना आवश्यकता से अधिक भोजन करना।
यदि तुम बहुत ज़्यादा खाते हो, पेट में ठूसते ही जाते हो, तो वह भी अस्वाभाविक है। तुम्हारे अंदर मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ गड़बड़ है। शायद भीतर तुम इतना खालीपन अनुभव कर रहे हो कि उस आंतरिक रिक्तता को भरने के लिए जो भी खाने की चीज़ तुम्हारे हाथ लग जाए उसे ही अपने पेट में डाल लेते हो। नो डाउट साइंस ने सिद्ध किया है कि उपवास करना चाहिए। उपवास ही महंगा ही पड़ता है। आप उपवास करते हो, दूध खाते हो, केला खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, महंगा ही पड़ता है। तो उपवास भी नॉर्मल नहीं रहा, सस्ता का है। तो धर्मों ने तुम्हें तुम्हारी स्वाभाविक इच्छाओं और प्रवृत्तियों के विरोध में क्यों रखा है? कारण सीधा साफ है, तुम्हें अपराध भाव महसूस कराने का। इस शब्द को मैं दोहरा रहा हूं, अपराध भाव। यह उनका खास मुद्दा रहा है, केंद्र बिंदु रहा है। तुम्हें मिटाने में, तुम्हारे शोषण में, तुम्हें उनकी इच्छानुसार ढालने में, तुम्हें निकृष्ट सिद्ध करने में और तुम्हारा आत्मसम्मान नष्ट करने में। एक बार अपराध भाव उत्पन्न कर दिया, एक बार तुमने यह सोचना शुरू कर दिया कि मैं पतित आदमी हूं, एक पापी हूं, बस उनका काम हो गया। तब कौन तुम्हें उबारेगा? निश्चित ही किसी उद्धार करने वाले की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पहले बीमारी पैदा करेगी। यह पूरा फिलॉसफी आचार्य रजनीश का है जो मैंने आपके सामने रखा है, और इसमें कितनी गहराई है आप उसे समझिए। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।